ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्ट केयूरवांग मगर कुंडल वांग किरीटी हारय हिरण्यमयपुर दशंख चक्र ऐ सूर्य सहस्रांशु तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्ता गणारगम दिवाकर भास्कराय नमः दिवाकराय नमः सूर्याय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हमारा विषय है तुला राशि वालों पर सूर्य का परिवर्तन का जो प्रभाव किस प्रकार से रहेगा। सूर्य मिथुन राशि पर हर वर्ष 15 जून से लेकर करीब करीब 16 जुलाई के मध्य तक रहते हैं और ये सूर्य का जो परिवर्तन जो होता है, सूर्य हमारे इस सोलर सिस्टम के हमारे संपूर्ण ग्रहों में राजा माने जाते हैं, उसके अधिपति माने जाते हैं और उनके कारण से ही जीवनी शक्ति का संचार होता है। सूर्य का परिवर्तन जो है वो 12 महीनों में पूरा पूरा एक चक्र पूर्ण होता है राशियों का और इसके साथ साथ एक राशि पर सूर्य जो है करीब करीब 30 दिन के आसपास तक रहते हैं और 15 जून के को परिवर्तित करके 15 जून के आसपास सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य यदि हम तुला राशि के हिसाब से बात करें तो सूर्य मिथुन राशि पर बड़ा अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। सूर्य जब मिथुन राशि पर आते हैं 15 जून को तो वो जो तुला राशि वालों के लिए नवम भाव भाग्य में आकर विराजमान हो जाते हैं और तुला राशि वालों के लिए सूर्य जो हैं वो आधिपति हैं, वो एकादशवें भाव के लाभ के भाव के नवम भाव में परा विराजमान हो जाते हैं एक महीने के लिए 31 दिन के लिए और यहाँ विराजमान होने के बाद वो वास्तविक तौर पे धर्म के द्वारा आप धर्म के द्वारा क्या कुछ करने वाले हैं, धर्म स्थान में बैठकर आपके जीवन में किस प्रकार से धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है, भाग्य को किस प्रकार से उज्ज्वल कराने वाले हैं, क्या कुछ योगा योग बनने वाले हैं, वो सारी बातें हम आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करना चाहिए। यह समय आपके लिए बड़ा अद्भुत रहेगा। इस समय में आपको विशेष तौर पर यानी करीब करीब 15 जून से लेकर 16 जुलाई के बीच में सूर्य यहां पदार्पण करेंगे और ऐसे में कई ग्रहों के साथ विचित्र प्रकार का योग बनेगा। ऐसे में सूर्य के साथ त्रिग्रही योग भी बनने वाला है, यानी जब सूर्य पदार्पण करेंगे तो यहाँ शुक्र पहले से विराजमान होंगे और आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र और उसके साथ साथ जब सूर्य पदार्पण करने वाले होंगे जो 15 जुलाई की हम बात करें तो रात को करीब करीब 12:37 पर सूर्य यहाँ पदार्पण करेंगे, उससे एक घंटा पहले बुध भी यहाँ पर पदार्पण करके आ चुके होंगे। यानी भाग्य में भाग्य के स्वामी, मिथुन राशि के स्वामी, भाग्य के स्वामी जो हैं आपकी राशि के अनुसार से वो बुध हैं और वहीं विराजमान हो जाएंगे। तो ऐसे में जो ग्रहों का खेल जब बड़ा विचित्र होगा, त्रिग्रही योग बन जाएगा। त्रिग्रही योग जो है विशेष तौर पर समझें तीन विपरीत प्रवृत्ति के ग्रह ही है। सूर्य राजा है, शुक्र दैत्य गुरु है और देवताओं के राजा ग्रह देव माने जाते हैं और शुक्र जो है दैत्यों के अंतर्गत उन्होंने देवत्व प्राप्त करने के बावजूद भी निशाचरों का साथ, राक्षसों का साथ देने का प्रयास किया और उसके साथ साथ जो बुध हैं वो यौवनादि ग्रह हैं, यौवन ग्रह हैं और समस्त प्रकार से जो यौवन की बात करते हैं, जवान युवा की बात करते हैं उसी प्रकार से प्रभाव करते हैं। मैनेजमेंट के सबसे बड़े ऑर्गेनाइज करने वाले ग्रह माने जाते हैं और ऐसे में दो ग्रह चल रहे हैं अस्त, सूर्य के प्रभाव से दो ग्रह अस्त चल रहे हैं। तो ये वर्ष विशेष तौर पर कई रुके हुए कार्य भाग्य से पूर्ण करने के योग बनाएगा। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए आपके लिए शुरू करेंगे बहुत सारे रुके हुए कार्य, जो रुके हुए कार्य पढ़ने के योग बन रहे हैं। वर्ष में एक बार मिथुन राशि में सूर्य आते हैं और ऐसे में विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा विचित्र रहेगा। संक्रांति का पुण्य सूर्य जो परिवर्तन हो रहे हैं वो 15 तारीख की रात को करीब करीब आ रहे हैं, यानी 12:37 पर। तो संक्रांति का पुण्य जो रहेगा वो अगले दिन रहेगा यानी शनिवार को, जो 14 और 15 की रात है उसमें परिवर्तन होगा और 15 की सुबह जो शनिवार उदय होगा उस दिन से विशेष तौर पर उनका पुण्य माना जाएगा। और मिथुन के सूर्य जब परिवर्तन पर जाते हैं तो विशेष तौर पर कई विशेष बात रखते हैं। कहा जाता है संक्रांति का पुण्य प्राप्त करने के लिए ऐसे में जल का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सूर्य का प्रभाव बड़ा विचित्र, लाभ के स्वामी होकर भाग्य में बैठे हैं तो हमने जैसा कहा कि कई रुके हुए कार्य पूर्ण करने के योग बना सकते हैं, भाग्य से कई प्रकार के कार्यों में सहायता देने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दो दो ग्रह उनके साथ जो चल रहे हैं वो दोनों अस्त अवस्था में रहेंगे।
जी हाँ, शुरू में तो अस्तावस्था में रहेंगे जो शुरू में बुध जो है वो भी अस्तावस्था में रहेंगे, शुक्र भी अस्तावस्था में रहेंगे, शुक्र वहाँ के मालिक हैं भाग्य के, और शुक्र जो है बुध जो है वो शुक्र वहाँ के भाग्य के मालिक हैं आपकी राशि के अनुसार से, शुक्र जो है लग्नेश हैं, लग्न के मालिक हैं। ऐसे में 25 जून को बुध उदय होंगे और 5 जुलाई को शुक्र उदय होंगे। तो ऐसे में बुध का उदय होना आपके लिए, जब उदय होकर बुध वहाँ विराजमान हो जाएंगे तो भाग्य से और ज़्यादा रास्ता आगे बढ़ने का आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। कई प्रकार से कार्यों में गति प्राप्त करने के योग बन सकते हैं, लाभ के रास्ते खुल सकते हैं। तो ये सूर्य का परिवर्तन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ नया उद्धृत करने के लिए, नया आरंभ करने के लिए आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है। ऐसे में आगे बढ़ने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वभाव को बहुत बैलेंस रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो। सूर्य कई बार क्या होता है, तेज के स्वामी है, पराक्रम के स्वामी है, और कई बार अपने आप को बहुत एग्रेसिव कर देते हैं हम व्यक्ति को। तो ऐसे में ध्यान रखें, ना तो बहुत ज़्यादा सरल रहे, बहुत ज़्यादा नरम रहे, बहुत ज़्यादा की यानी फ्लेक्सिबल अप्रोच रखने का आपको प्रयास करना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा रिजिड, ना बहुत ज़्यादा लचीले, बैलेंस होकर सरल रहते हुए कार्य करने का यदि प्रयास करेंगे तो बहुत उन्नति के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, सूर्य का यह परिवर्तन जो है, ऐसे में जो चल रहा है समय, जेठ का महीने के बाद जो सूर्य का परिवर्तन होगा आषाढ़ के अंदर, विशेष तौर पर आषाढ़ में एक विचित्र प्रकार की घटना घटने जा रही है। जेठ के बाद आषाढ़ के अंदर पहले पक्ष के अंदर देखें तो 2 तिथियां घट भी रही हैं। तो ऐसे में 2 तिथियां जब घट जाएं, प्रतिपदा और साथ साथ चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, दोनों तिथियां घट जाएंगी और ये पक्ष जो है 13 दिन का रह जाएगा। यानी ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, कहीं ना कहीं युद्ध और कहीं ना कहीं उठापटक के योग, अहिंसा के योग ये प्रकृति को या संसार को थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो ऐसे में शांति के साथ हम अपने घर परिवार को रखने का प्रयास करें। देखिए, एक तो सार्वभौमिक प्रभाव होता है और एक प्रभाव हमारे अपने छोटे घर संसार में भी होता है। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं का, अननेसेसरी का, झगड़ों का, अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें मनोमस्तिष्क में मुटाव आने के योग बन सकते हैं, तो वो शांति के साथ हर चीज़ को डील करने का प्रयास करें। ऐसे में जो सूर्य का परिवर्तन जो हो रहा है वो 3 राशियों में घूमेगा, मृक्षरा राशि से होते हुए पुनर्वसु राशि तक या प्रवेश करेंगे। मृक्षरा नक्षत्र जो है मंगल का नक्षत्र है, उसके बाद आर्द्रा राहु का नक्षत्र पड़ता है, उसके 4 चरण पूरे करेंगे सूर्य वहाँ पर, और इनके साथ साथ पुनर्वसु के पर भी जाते हुए बृहस्पति का जो नक्षत्र है उससे जाते जाते इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए बृहस्पति सूर्य जो है काम करने वाले हैं। तो आरंभ काल तो हमें दिखाई देता है कि थोड़ा कष्ट वाला रहेगा, थोड़ा सा परिवर्तन में त्रिग्रही योग बनेगा, और जैसे जैसे त्रिग्रही योग में बृहस्पति जो शुक्र जो बुध हैं वो उदय हो जाएंगे, 25 तारीख को बुध उदय हो जाएंगे, उसके बाद भाग्य में बहुत अच्छा योग बन जाएगा। और उसके साथ आगे चलते चलते ग्रह दिखाते हैं कि 5 जुलाई को शुक्र भी उदय हो जाएंगे, और शुक्र के उदय होते ही ये ग्रहों का प्रभाव और ज्यादा आपके लिए, यानी जो स्टार्टिंग रहेगी वो थोड़ी सी भारी हो सकती है, लेकिन आगे जाकर आपके कार्यों में ये बहुत बढ़िया उन्नति देने के योग सूर्य महाराज आपकी राशि के अनुसार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये परिवर्तन सूर्य का विशेष तौर पर तुला राशि वालों के लिए हमें बड़ा अच्छा दिखाई देता है, आगे बढ़ने के रास्ते आपके खुलते दिखाई दे रहा है, साथ साथ नए कार्य और जो पुराने शुरू हुए कार्य, रुके हुए कार्य हैं उनको गति देने के लिए आपके लिए भाग्य से रास्ता बनता दिखाई देगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा, चांदी का कुछ हो सकता है सामान दान करने का प्रयास करें, चांदी के बर्तन में भोजन करने का प्रयास करें, यह बहुत सुंदर उपाय है आपकी राशि के अनुसार से, यदि आप ये करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक काम और ध्यान रखिएगा, कई बार हमारे घर में कई लोग गिफ्ट लेके आते हैं, कई बार गिफ्ट लेके आ जाते हैं, और ऐसे में एक बात ध्यान रखिएगा, चांदी की कोई चीज़ घर में गिफ्ट के रूप में नहीं आनी चाहिए। यदि ये आपकी राशि के अनुसार से ये उपाय दिखाई देता है कि यदि आएगी तो ये विशेष तौर पर आपके लिए अशुभ हो सकती है। तो कम से कम जो 1 महीने का समय हम आपको बता रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, 15 जून से लेकर 16 जुलाई तक का समय आपकी राशि के अनुसार से, तुला राशि वालों खासतौर पर ध्यान रखना इस बात का कि 1 महीने तक, आपके कई बार बर्थडे भी पड़ते हैं, कई बार कुछ और पड़ते हैं, कई बार हम शादियों में जाते हैं, शादियों में नेक मिल जाता है, शगुन मिल जाता है, और उसमें चांदी के सिक्के आज देने का बहुत ज़्यादा रिवाज है। तो आपकी राशि के अनुसार से, जी हाँ, आपकी राशि के अनुसार से हमें आपके वो विशेष तौर पर बताने का हम चेष्टा करते हैं, बताने का एक बात जरूरी समझते हैं कि ऐसे में चांदी को खरीद के लाएं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुफ्त में चांदी यदि आपके घर में पदार्पण कर रही है, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में, किसी भी रूप में, समझ लीजिएगा ये आपके लिए भयावह कष्ट को उत्पन्न करने के योग बना सकती है। तो ऐसे में हर चीज़ का प्रभाव है। देखिए, हर चीज़ का एक एक्शन होता है, उस एक्शन का रिएक्शन भी होता है, कुछ शुभ
होते हैं, कुछ अशुभ होते हैं, तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ये हमको समझ में आया, इसलिए हमने आपके समक्ष बताने का प्रयास किया कि जिस प्रकार के ग्रह योगों का गणनाएं बनती हैं उसके अनुसार से आपको अपने जीवन में समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। आपके लिए सबसे अच्छा ये है नित्य पति भगवान सूर्य, क्योंकि भाग्य से कि भाग्य के रास्ते में आपके आके बैठ गए हैं सूर्य और भाग्य को उदय करने का रास्ता बना रहे हैं, तो आपके लिए आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि आप एक पात्र में नित्य पति पीला पुष्प लेकर, कनेर के पुष्प आजकल बहुत आ रहे होंगे, कनेर का पुष्प सबसे बढ़िया भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए होता है, साथ में थोड़ी सी रोली डालकर और जल लेकर और उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए, इत्र डालकर भगवान सूर्य को नित्य पति अर्घ लेकर थोड़ा हाथ लें इस प्रकार से और भगवान सूर्य को उस प्रकार से अपने सिर के ऊपर से हाथ रखते हुए ऐसे, और जब वो ऊपर से जल गिरे तो उसमें से भगवान सूर्य का दर्शन भी करें, और ये मंत्र ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप अवश्य करें। हो सके तो उनको अर्घ दिया जाता है, जो हमने मंत्र आरंभ में कहा भगवान सूर्य की प्रार्थना थी, और उसके साथ साथ अहे सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपाय माम भक्त्या गणार्गम दिवाकरम, यदि ये भी मंत्र याद नहीं है तो ओम सूर्याय नमः भास्कराय नमः दिवाकराय नमः, और यदि ये भी याद नहीं है तो गायत्री मंत्र तो याद होगा, गायत्री मंत्र के द्वारा मानसिक उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य का दर्शन करके उनको नित्यपति अर्घ देने का प्रयास करें, तो ये भाग्य से बहुत अच्छा समय आपके लिए बनता दिखाई दे रहा है, कोशिश करें इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, ये आपने समझा। इसके साथ साथ देखिए, ये तो सूर्य का प्रभाव है, जन्मपत्री में बहुत सारे और भी ग्रह होते हैं, गोचर के प्रभाव को उसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग कई बार प्रश्न कर लेते हैं कि महाराज सूर्य से ही सब कुछ चल रहा है, अरे नहीं भैया, आपकी राशि के अनुसार से बहुत सारे ग्रह अलग अलग प्रकार के योग बना रहे हैं, शनि महाराज अलग योग बना रहे हैं, बृहस्पति महाराज अलग योग बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग जन्मपत्रियों का अलग अलग लेवल है, हर व्यक्ति की जन्मपत्रियों में विशेष प्रकार के योग बनते हैं, दशाएँ चलती हैं, अंतर दशाएँ चलती हैं, उन सबको भी गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। लेकिन हम यहाँ अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष गोचर में जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, गोचर यानी प्रेजेंट सिचुएशन में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, उसके प्रभाव को समझते हुए हर ग्रह के अनुसार से समय के अनुसार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा भाग है ज्योतिष का, लेकिन उसके साथ साथ आप डिपेंड करता है कि व्यक्ति कितने लेवल पर है। आप समझें कि एक व्यक्ति के परिवर्तन का योग तो बना, ओवरऑल सिनेरियो प्रकृति के अनुसार से वैसे ही बनेंगे। जैसे आप समझ सकते हैं कि एक आंधी आ रही है या सूर्य निकला, सपोज ऐसे मान लीजिए सूर्य निकला है, नित्यपति सूर्य निकलते हैं, अब जो हेल्दी आदमी है तो सूर्य को देख के आनंदित होगा, लेकिन थोड़ा सा वीक आदमी है उसको सूर्य की ताप बहुत तेज लगेगा। अब किसी ने कुछ और समस्या है तो एक कहीं बारिश पड़ रही है तो वो उसके लिए वृष्टि वृत्तिकारक है, कहीं किसी ने कुछ घर में ऐसा सामान रखा हुआ है वृष्टि भिगो देगी, यानी प्राकृति में घटने वाली जो घटनाएं हैं उसका हर व्यक्ति पर अलग 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 प्रकार का प्रभाव पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पर है, पांचवें पायदान पे, आठवें पायदान पे, सौवें पायदान पे, लाखवें पायदान पे है, या पृथ्वी के 10 गज नीचे बैठा हुआ है, या कहाँ बैठा हुआ है, हर व्यक्ति पर अपने किस्म का अलग प्रभाव होगा। लेकिन प्रकृति की घटना तो एक ही घट रही है, तो उस घटना का प्रभाव किस प्रकार से किसके लिए बन रहा है वो हमको देखने की आवश्यकता, ओवरऑल सिनेरियो जो है किस प्रकार का बन रहा है वो हमने 12 भागों में विभाजित कर गोचर के दृष्टिकोण से आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। ये गोचर भी बहुत प्रभावी होती है, जैसे साढ़े साथी चल रही है, किसी एक कुछ चल रहा है, तो ऐसे समय में बहुत सारी चीज़ें ध्यान करते हुए समझने की आवश्यकता होती है। गहन चिंतन करने के लिए तो ज्योतिष की चरमपत्रियों का विभाग है, वो इतना वृहद है चरमपत्री का कि उसके अंदर पूरा समुद्र शास्त्र भी आता है, पूरा प्रकृति भी आती है। आपके हाथ के जो हस्तरेखा विज्ञान है, मुख रेखा विज्ञान है, मस्तक रेखा विज्ञान है, गले की रेखा विज्ञान है, वो सब भी ज्योतिष के अंतर्गत ही आते हैं, और ज्योतिष की विवेचना करते हुए, जन्मपत्री की विवेचना करते हुए इन सब चीज़ों को भी देखना परम आवश्यक होता है, और इसके द्वारा यदि सब इसका लाभ लेने का हम प्रयास करते हैं। कई बार बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं जीवन में घटती देखी हैं और ज्योतिष का चमत्कार देखते देखा है, तो बिल्कुल ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है। इसका पूर्ण लाभ लेने के लिए तो सबसे अच्छा ये है कि इंडिविजुअल कंसल्टेशन देखकर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए, तो उससे बहुत कुछ समय समय पर जीवन में परिवर्तन का जो प्रभाव होता है उसको हम पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन की बहुत सारे सुख को आनंदमय जीवन में जी सकते हैं, और परेशानी आने से पहले अपनी सुरक्षा कवच को तैयार कर सकते हैं।
सकते हैं, यही ज्योतिष का देशकाल परिस्थिति के अनुसार से लाभ शास्त्र में वर्णित किया गया है। तो आप इसको समझें प्रत्यक्ष रूप से। और हमारा ये आश्रम जो है पिछले करीब करीब लंबे वर्षों से इस क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने का प्रयास कर ही रहा है, ज्योतिष विज्ञान के साथ साथ बहुत सारी और अंक विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, नामावली, न्यूरोलॉजी जो कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत बढ़िया बहुत सारी पुस्तकें हमारे द्वारा प्रकाशित की गई हैं विवेकानंद आश्रम के द्वारा, और बहुत सारे विज्ञान को हमने समय समय पर लोगों को पहुँचाने का प्रयास किया है। ज्योतिष एक बहुत बहुत इसके अंदर सहस्त्रों शाखाएँ आती हैं। हर ऋषि ने, भारतीय संस्कृति में जितने ऋषि हुए, उन्हें अपने अपने प्रकार से उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को बहुत वृहद रूप से समझाने का प्रयास किया, अनेक शास्त्रों की रचना करी, अनेक ग्रंथों की रचना करी, और वो सब अपने आप में पाराशर, जैमिन, विभिन्न प्रकार के जो मत रहे अलग अलग, उन सब ने भी विभिन्न प्रकार से ज्योतिष को वर्णित किया। आधुनिक क्षेत्र में बहुत सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स भी हुए, इसके साथ साथ अभी हम पढ़ें तो आज की तारीख में लाल किताब और विभिन्न पुस्तकें, उन सबको भी समाविष्ट करने की आवश्यकता है। हर चीज़ का कहीं ना कहीं कोई ना कोई महत्व है। उन सब विज्ञानों को एक साथ देखकर हम आपके समक्ष बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव को समय समय पर रखने का प्रयास करते हैं, और आशा करते हैं इसके द्वारा आप ज्योतिष का लाभ भी लेते हुए अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या होता है कि जीवन ऐसा नहीं है कि भूस में लठ मारते रहें, लग गई तो भास भाग्य खुल गए, और नहीं लगी तो फिर जीवन चल गया। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, ये मनुष्य जो है ना सुर दुर्लभ है, देवता भी तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए, और हम ऐसे ही जीवन को टाइम निकाले जा रहे हैं, टाइम निकालने नहीं आए थे, आगे की उन्नति प्राप्त करने के लिए, आगे की यात्रा जो है उसको सुखमय बनाने के लिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो कोशिश ये करें इस जीवन के महत्व को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष विज्ञान वास्तविक तौर पर विज्ञान की तरह ही सम्मत है, पूरा विश्व इसके गणित को बहुत बढ़िया तरीके से समझता है, फलित विज्ञान उससे भी ज़्यादा चमत्कारी है, और हमने समय समय पर बहुत सारे समय पर अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणियाँ भी करके दिखाई, बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया। ज्योतिष प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल सत्य, ज्योतिष विज्ञान सत्य हो सकता है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, ज्योतिष विज्ञान सत्य है, ज्योतिषी की गणनाएं कहीं ना कहीं गलती हो सकती हैं, जो उसका अपना ज्ञान है वो गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित है। जितनी विवेचना करेंगे, जितना एनालाइज करेंगे, उतना सुंदर उसके समस्त प्रकार के लाभ आपको जीवन में देखने को मिल सकते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से बहुत सारे कार्य इनकी इस संस्था के द्वारा जोड़ने का प्रयास किया है। ये आश्रम पिछले करीब करीब 60-70 सालों से योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म, पराविज्ञान, पराविद्याओं, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर रहा है, और हमने उसके ऊपर बहुत प्रत्यक्ष रूप से करके देखा भी है। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, आपको अजान के आश्चर्य होगा हमारे विवेकानंद योगाश्रम में पिछले 60 सालों से नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ आज भी चलता है। जी हां, आज भी चलता है यज्ञ। सनातन पद्धति यज्ञ प्रधान संस्कृति है, लेकिन आज यज्ञ लोप हो गए हैं, लोग यज्ञ करने जाते नहीं। तो आप आइए हमारे आश्रम में, लगातार यज्ञ चलते हैं, समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, उन सब में आप प्रकाश यज्ञ में पधार सकते हैं, यज्ञ में भाग ले सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, उसमें भी बहुत सा बड़ा कार्यक्रम चलेगा, उसमें आप सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाएगा, उसमें भी आप अपने नाम से यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा अभी बहुत सारे उत्सव समय समय पर आते हैं, हर रविवार को एक सामूहिक यज्ञ का कार्यक्रम किया जाता है, और उसमें हमारी संस्था की तरफ से कोई फीस नहीं ली जाती, जो स्वयं आके बैठना चाहते हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा कमाने के लिए, अरे नहीं, आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था है, आप आइए, सामग्री भी, घी भी, समस्त व्यवस्था है आश्रम की तरफ से, भंडारा भी आश्रम की तरफ से व्यवस्था चलती है। हर रविवार को आप उस समस्त कार्यक्रम में, तो विशेष तौर पर सुबह 8 बजे से लेकर जो 10:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्वाध्याय कराया जाता है, धर्म के बारे में ज्ञान दिया जाता है, यज्ञ कराए जाते हैं, माँ भगवती का सुंदर दर्शन। जी हाँ, ये बहुत अद्भुत चीज़ है। हमारे आश्रम पे माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह, जो 1947 में, उससे पहले मुल्तान में उनका बहुत बड़ा मंदिर था, 500 साल पुरानी दिव्य प्रतिमा भगवती की है, जो आश्रम में प्रतिष्ठित है, और उनके दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती का कृपा आपके जीवन में बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकती है। तो उनका दर्शन भी आप आगे कर सकते हैं, वो शिव विग्रह, चमत्कारी शिव विग्रह माँ भगवती दुर्गा जी का आश्रम पर विराजमान है, उनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। उनकी एक अलग कथा है, हमने कई बार आपको एपिसोड्स में बताई हैं, तो आप भी इन समस्त कार्यक्रमों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। आश्रम के द्वारा विभिन्न पुस्तकें मंत्र विज्ञान पर, यज्ञ विज्ञान पर, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए जा रहे हैं, मुद्राओं के द्वारा अद्भुत प्रकार से व्यक्तियों तक, जनमानस तक, हमने पिछले करीब करीब 50 सालों में संस्था ने बहुत अद्भुत कार्य किया पूरे विश्व में इस मुद्रा विज्ञान, हाथों के द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं, कैसे वो आपके स्वास्थ्य में लाभ दे सकती हैं,
किन्हीं को यूरिन की समस्या है, किडनी की स्टोन की समस्या है, आज की तारीख में किडनी की समस्या है, बहुत परेशान कर रही है और हर कोई ऑपरेशन के लिए भागे जा रहा है। मैं आपको चमत्कारी मुद्रा बताता हूँ, ये अपान मुद्रा है। बीच की दोनों उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ देने से यदि इस मुद्रा का नित्य प्रति अभ्यास करना शुरू करें तो किडनी स्टोन, जी हाँ, किडनी में, गुर्दे में यदि आपके विशेष तौर पर स्टोन की समस्या हो गई है, कुछ ही दिन में उसको इरेडिकेट कर देगी, गायब कर देगी धीरे धीरे। हमने प्रत्यक्ष देखा कि इस मुद्रा का अभ्यास कराने के बाद जब ब्लड खून यूरिन टेस्ट कराया तो वो धीरे धीरे डाइल्यूट होकर वो यूरिन में जो स्टोन जो पार्टिकल्स थे वो निकलने शुरू हो गए और कुछ दिन में वो स्टोन गायब भी हो गया। तो नेचुरल प्योरीफायर है बॉडी का, जिनको पाइल्स की समस्या है, अनेक प्रकार के जो रोग्स हैं उनको भी ठीक करने के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में हमारी संस्था अद्भुत कार्य कर रही है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो भारत सरकार के पैनल पर है। तो आप भी इन समस्त सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं, आश्रम से जुड़े, आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।